नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बन गई है, जहां कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली। वहीं कल उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह से पहले शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित किया, जहां इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए राज्य के विकास की बात कही गई है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को राज्य में 80% नौकरियां दिए जाने का भी वादा किया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फिर एक बार घेरा। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें उद्धव ठाकरे का भाई बताया। सामना में लिखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा। इसके साथ ही केंद्र की नीति सहयोग वाली होनी चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के आम लोगों के लिए खुलने के एक साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब प्रतिमा के साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। प्रतिमा की ऊंचाई अधिक होने के कारण इसके बाहरी हिस्से की साफ सफाई करना थोड़ा कठिन है, इसीलिए क्रेन समेत कई आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। देश में बेरोजगारी है या नहीं, इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने इस सवाल को थोड़ा स्पष्ट किया है। दरअसल तमिलनाडु में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 549 ग्रेड 1 सफाई कर्मियों के पदों के लिए कुल 7000 आवेदन आए। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग सभी आवेदन इंजीनियर स्थानकों और डिप्लोमा धारकों ने किया है। नागरिकता कानून में संशोधन के प्रयासों के एतराज को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके लिए आम सहमति बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न नेताओं, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों को नागरिकता संशोधन बिल पर वार्ता के लिए बुलाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक दिन स्थायी सदस्यता मिलेगी और इस दिशा में लगातार प्रगति है। आपको बता दें कि यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता पर अन्नाद्रुमुक के विजिला सत्यनाथन के सवाल का जवाब दे रहे थे। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ काम कर चुके 6 नौकरशाह आज विशेष अदालत में पेश होंगे। हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत के जज अजय कुमार कुम्हाड़ ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 6 नौकरशाहों और इस मामले में अन्य को समन जारी किया था। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे करीब हफ्ते पहले सत्ता की बागडोर संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत कल नई दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपने इरादे जाहिर किए हैं। असम भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने एनआरसी सूची से बाहर रखे हुए हिंदू बंगालियों का जिलेवार आंकड़ा वर्तमान विधानसभा सत्र में पेश करने का निर्णय किया है। असम में वित्त मंत्री शर्मा ने दावा किया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राज्य में 3 वर्ष पहले एनआरसी के अद्यतन की प्रक्रिया में भारी अनियमितता पाई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर आगमन पर उनके मिलने वालों की लंबी सूची है। 30 नवंबर को CSJMU और 1 दिसंबर को सर्किट हाउस में 108 लोगों का नाम उनसे मिलने वालों में शामिल है। आपको बता दें कि इसमें रामनाथ कोविंद के साथ पढ़ने वाले उनके रिश्तेदार, कई राजनीतिक दलों के लोग, शिक्षक, उद्यमी, चिकित्सक प्रमुख है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले ली है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने के बाद 3 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि कैबिनेट विस्तार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम की कुर्सी जाते ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आज नागपुर कोर्ट ने फडणवीस को समन जारी किया है, जहां फडणवीस द्वारा चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ 2 मामलों के बारे में जानकारी छुपाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि उन्हें 5 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना है।
महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज अपना पदभार संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर में महाराष्ट्र के सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार से लेकर सरकार बनने तक शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। सरकार जल्द ही नए सेना प्रमुख का ऐलान करने जा रही है। दरअसल वर्तमान आर्मी चीफ विपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नए सेना प्रमुख के लिए 3 नामों की लिस्ट पीएम नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 21,246.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मांग की है। इसमें 8,820.62 करोड़ रुपए हाल ही में गठित दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है और हालांकि कई जगह झमाझम बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के त्रिची में झमाझम बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसके मद्देनजर वहां के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबा समय बिताने के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत गोवा के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं, जहां उन्होंने अपने एक ताजा बयान में कहा कि अब शिवसेना गोवा में भी जल्द सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और गोवा पूर्व सीएम विजय सरदेसाई 3 विधायकों के साथ शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की संस्था नेफेड ने बीते दिनों दिल्ली सरकार को प्याज देने से मना कर दिया है, इससे प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने गुजारिश की है कि केंद्रीय मंत्री निजी तौर पर दखल देकर दिल्ली को प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कल 6 जजों के शपथ ग्रहण के साथ ही एक और इतिहास जुड़ गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार तथा देश के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पति पत्नी ने एक ही दिन शपथ ली हो। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ए के पाठक और जस्टिस इंद्रमीत कौर ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सभी 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत से गदगद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश करार दिया है और कहा है कि जनता ने भाजपा के घमंड का जवाब दिया है। बनर्जी ने कहा कि यह जनादेश धर्मनिरपेक्षता और एकता के पक्ष में और एनआरसी के खिलाफ जनादेश है। तो ये थे दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।